हमारे प्राचीन ऋषियों ने उस परमात्मा परम ब्रह्म को बहुत निकटता से महसूस किया। सामवेद ऋचा संख्या 789 ऋषि अमहियो, ऐसा ऋषि इस मही तल पर, भूतल पर, पृथ्वी पर विचरण करता हुआ भी आत्मा से जो उस परम ब्रह्म के ध्यान में रात दिन रहता है, देवता सोम, सोमरस, ब्रह्मरस, ईश्वरीय प्रेम से उत्पन्न हुआ रस, सोमलताएं भी होती थीं, वनस्पति होती थी जिससे प्रसाद तैयार किया जाता था, सोमरस। और हमारे शरीर में जो ओज तत्व है उसको ही मुख्य रूप से सोम कहा गया है। ईश्वर आराधना, सत्कर्म करने से जो शांत भाव हमारे भीतर उत्पन्न होता है, उस तत्व को सोम तत्व हमारे ऋषियों ने कहा। देवता सोम, छंद गायत्री, त्रिपदे गायना, तीन पदों में, तीन पंक्तियों में जो ऋचाएं गाई जाती हैं वे सब गायत्री कही जाती हैं। ऋग यजुर् और साम को भी त्रिक, त्रिविद्या, गायत्री कहा गया है। स्वर सड़ज ओ सना पुना रयम् वीरवति मीशम् ईशानः सोमवेश्वतः वह ज्योति पुरुष परमात्मा दिव्य रत्नों की वर्षा करता रहता है। हमारा मन संसार रूपी इस बंध में घबरावे नहीं, भयभीत ना होवे। हे परमेश्वर, तुझसे हम प्रार्थना करते हैं
हमारे जीवन में तू दिव्य रत्नों की वर्षा कर। दिव्य रत्न क्या है? अब है किसी से हम भयभीत ना हो। पाप कर्म करने वाला व्यक्ति भयभीत रहता है, बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति भयभीत रहता है। अतः हम पाप कर्म ना करें, अनुचित कर्म ना करें, उज्ज्वल पुण्य कर्म करें। आस्था उस परम ब्रह्म में, सत्कर्म में, मानवता में, देवत्व में, अपने प्राचीन पुरुषों में, प्राचीन आर्ष ग्रंथों में, वेद में हमारी पूर्ण आस्था बनी रहे। जो दिव्य संपदा हमारे ऋषियों ने हमारे लिए इकट्ठी की है आस्था के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, नित्य अभ्यास के द्वारा, योग के द्वारा, चरित्र की उच्चता के द्वारा, विनम्रता के द्वारा, उन सब को हम प्राप्त कर सकते हैं। विद्या और अविद्या ये दो तत्व कहे गए हैं, ज्ञान और अज्ञान। अज्ञान में पड़ा हुआ जीवात्मा पशु जैसा व्यवहार जगत में और अपने जीवन में करता है, जिनसे पैदा है उन माता पिता को कुछ नहीं समझता, अपने ही सहोदर भाई बहन को कुछ नहीं समझता, जो मित्र उसका सहयोग करते हैं समय आने पर उन्हीं से छल करता है, स्वार्थ के आगे किसी को कुछ नहीं समझता, यही हमारा पशुपन है, पशु भाव है। इस पशु भाव का हम त्याग करें, भोग वृत्ति का त्याग करें, स्वार्थ कुटिलता छल कपट क्रोध का त्याग करें, जिससे हमारे जीवन में आध्यात्मिक ज्योति का उदय हो। अंतर आत्मा में ईश्वरत्व का उदय हो। हमारे ऋषि इस मंत्र में उस परम ब्रह्म ज्योतिर्पुरुष से प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर ज्योति पुरुष, दिव्य रत्नों की वर्षा कर दे, संसार के बन में मेरा मन घबरावे नहीं, निम्न कर्मों की तरफ मेरा जीवन न गिरे, मेरी आत्मा को निर्भय और निर्मल बना दे।
ज्योति पुरुष हे आदि ब्रह्म 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 दिव्य रत्नों की वर्षा कर दे ज्योति पुरुष हे आदि ब्रह्म 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 की वर्षा करते दिव्य रत्नों की वर्षा करते जगत बन मेला घबरावे मन जगत बन मेला घबरावे मन जगत बन मेला घबरावे जगत बन मेरा घबरावे मन मेरी आत्मा को निर्भय कर दे मेरी आत्मा को निर्भय कर दे ज्योति पुरुष हे आदि ब्रह्म 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 मध्यम लग रहा है तुम्हारा तीव्र शुद्ध मध्यम लग रहा है शुद्ध मध्यम Oh,
Guru hai,
नदियों के उस पार घर मेरे रब का हो, तुर जो पकड़ता हा पहुंच जाता मैं कब का। पुरुष बाबा पुसंदे वालों की जय। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। पुरुष बाबा पुसंदे वालों की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो देव भूमि भारत वर्ष की जय। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। देव पुरुषों का ज्योति से जीव होवे ज्योतिर्मान, पार ब्रह्म में पावे मोक्ष धाम। पार ब्रह्म में पावे मोक्ष धाम। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। रक्षा करना मेरे परमात्मा। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार। देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार, आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार।
जाता रूप स्वभाव में उस जैसा बन जाता देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार आदि पुरुष कर दे हृदय में उजियार देव पुरुषों का मिले मुझे प्यार आदि पुरुष कर दे बाबा फुलसंदे वालों की जय एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।